पूरे देश में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर हैं। उनकी हड़ताल का असर प्रदेश भर में भी देखने को मिल रहा है। कई जिलों में पेट्रोल पंप ड्राई होने लगे हैं। भोपाल में भी हड़ताल का असर नजर आ रहा है। फल सब्जियों की सप्लाई पर भी अब प्रभाव देखने को मिल रहा है। फल सब्जियों की ज्यादातर सप्लाई महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, आंध्र जैसे बाहरी राज्यों से होती है। इंदौर में हड़ताल पर बैठे टैंकर चालकों और पुलिस के बीच में हाथापाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, उज्जैन समेत कई जगहों पर ट्रक खड़े कर दिए गए हैं। वहीं सिंधवा बॉर्डर पर ट्रकों को खड़ा करने से लंबा जाम लग गया है। दरअसल नए प्रावधानों में दोषी ड्राइवर पर 7 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, जिसका ड्राइवर विरोध कर रहे हैं। वहीं ट्रांसपोर्टर भी उनके समर्थन में लामबंद हो गए हैं। तो नए कानून का विरोध पूरे देश भर में हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीर है। मध्य प्रदेश की बात करें, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल, वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से तस्वीरें सामने आई है, जहां पर आपको बता दें ट्रक ड्राइवर और बस चालक जो है, सभी ड्राइवर्स है, इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। हिट एंड रन के नए कानून का विरोध अब छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो ट्रक चालक हैं उनकी हड़ताल जो है वो शुरू हो गई, और आप देख पा रहे होंगे कि जो ट्रकें वो यहाँ पर अब खड़ी हो गई हैं। अब ऐसे में ट्रकें नहीं चलने की वजह से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का जो कार्य है वो पूरी तरीके से यहाँ पर रुक गया है, और अब महंगाई बढ़ने का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर ट्रक संचालक हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। ये नए कानून का विरोध कर रहे हैं, हड़ताल आप लोगों ने शुरू कर दी है। हाँ जी, हम समर्थन है, पूरा ड्राइवरों के साथ में है, हम समर्थन देंगे। गाड़ियाँ खड़ी हैं, खड़ी कराएंगे, जहाँ भी हम ड्राइवरों के साथ है। ड्राइवर गाड़ी नहीं चला पाएगा तो हम लोग कहाँ से लेंगे? गाड़ी तो ड्राइवर ने चलानी है। जैसे अमित शाह ने, गृह मंत्री ने गलत कानून किया, उसका विरोध करते हैं। अगर उसको वापस लेता तो पब्लिक के लिए भी अच्छा है। सब्जी भी, मेडिसिन, दूध, सब छोटे छोटे व्यापारी, छोटे छोटे घरों के लिए फ़ायदा है। नहीं तो सब गाड़ी चक्का जाम हो जाएगा, गाड़ी को चला नहीं पाएगा। मोटर मालिक का है, कार वाले को भी उतना ही सजाया, मेटाडोर वाले को भी उतनी सजाया, ट्रक वाले को भी उतनी सजाया। नए कानून के हिसाब से सीधे 10 साल की सजा या तो 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो रखा गया है। ऐसे में क्या लग रहा है ड्राइवर लोगों से, आप लोगों की बातचीत होती है, आप लोग ट्रांसपोर्टर हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या कह रहे हैं सभी? दिक्कत हमको पूरी दिक्कत है इसमें। ना तो 10 लाख रुपया दे सकेगा तो ना 10 साल की सजा काट पाएगा। उससे अच्छा तो ड्राइवर को अपना कोई छोटा मोटा रोजगार, ठेला, कोई दुकान का कोई भी काम करने को तैयार हो लोगों। तो हिट एंड रन के जो कानून में बदलाव किया गया, इसका विरोध जो है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। ट्रक संचालकों से लेकर के ट्रांसपोर्टरों का इस कानून के प्रति जो है वो विरोध यहाँ पर जाहिर किया जा रहा है, और जो ट्रकें हैं उसके पहिए थम गए। आने वाले समय में यदि यही स्थिति रही तो महंगाई बढ़ने की आशंका भी अब जताई जा रही है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मोहम्मद खान, NH 24/7 रायपुर। कानून के खिलाफ ट्रक चालक आज प्रदेश भर में हड़ताल पे, आप देख सकते हैं इस वक्त में मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बोडा पे चौराहे पे, देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है ऑटो, बस ड्राइवर, चालक वो हैं जो ट्रक चालकों के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से हिट एंड रन जो केस है उसको लेकर जो केंद्र सरकार ने जो नया कानून बनाया है उस कानून के खिलाफ है और लगातार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जी बताएं क्या मांगे हैं, किस वजह से आप हड़ताल पे हैं? सर जी, जो अमित शाह जी ने जो कानून पास किया है, ड्राइवर को 10 एक्सीडेंट होने पे उसको अस्पताल न ले जाने पे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना, ये गलत है, काला कानून है। इसमें कोई ड्राइवर के पक्ष में या ड्राइवर के हित में कोई निर्णय सही नहीं लिया गया है। जो भी लिया गया है एक सोची समझी साजिश है। ड्राइवर कहीं का भी पैसे वाला नहीं है, जो कि जो इसके विरोध में हम लोगों ने ये गाड़ियों के, बसों के सबके पहिए थाम दिए हैं और ये कानून वापस होना चाहिए। आप हड़ताल पे, इसका हड़ताल का असर कहीं ना कहीं आम जनता पर पड़ेगा, कहीं ना कहीं परेशान हो, जिसका जिम्मेदार कौन हो? जिम्मेदार अमित शाह जी होंगे, और कौन होगा? अमित शाह जी होंगे, इसकी जिम्मेदारी अमित शाह और भारत सरकार की है। जारी रहेगी हड़ताल अब? भैया अभी तो 3 दिन की है लेकिन अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। मांग पूरी नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? आगे ड्राइवर तो गाड़ी की स्टीयरिंग नहीं पकड़ेगा और इसके लिए क्या बोलते हैं, सरकारी जिम्मेदार है जो भी है, क्योंकि आगे तक जा सकती है। ड्राइवर या ड्राइवर ही ना करके कुछ और करेगा, लेकिन ड्राइवर ही नहीं करेगा। यहाँ
ट्रक चालकों जो बस ड्राइवरों को साफ तौर से यही कहना है, यदि मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा सकती है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जिस तरह से कि पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं आम जनता को सीधा असर इस हड़ताल पर पड़ सकता है। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज़ भोपाल।